नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आरपी में। आज हम आपको बताएंगे अगर आपके कंप्यूटर में क्रिस्टल रिपोर्ट 8 या क्रिस्टल रिपोर्ट 9 या बेसिक वर्जन या विजुअल स्टडीज जो भी आपका वर्जन कोई भी आपके पीछे में इंस्टॉल है क्रिस्टल रिपोर्ट का, बट जो आपके डॉट आरपीटी फाइल्स होती हैं वो आपको क्रिस्टल रिपोर्ट में ओपन नहीं हो पा रही हैं, या वो जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे वो इस तरह ये डॉट आरपीटी फाइल्स हैं अभी अडोब रीडर में ओपन हो रही हैं, या आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होंगी, या किसी भी और वीएलसी मीडिया प्लेयर जो भी आपके पीछे में अगर प्रोग्राम होगा तो उसमें ओपन हो रही हैं, या इस पर कोई भी आइकन बन के नहीं आ रहा, मतलब इस तरह से कोई इशू है, जैसे आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे या इस तरह से आपका एरर मारेगा, तो इसका सलूशन आपने कैसे करना है, कैसे जो डॉट आरपीटी फाइल्स को आपने प्रॉपर क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर ओपन करना है। अभी कई बंदे बोलते हैं कि सर राइट क्लिक करके हम ओपन विद में जाके यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट शो होती है, बट यहाँ से भी आप कर सकते हो, क्रिस्टल रिपोर्ट जिसके पास शो हो रही है ऑलवेज यूज़ करके ओके कर दोगे तो आपका चल पड़ेगा। अगर कई भाइयों के पास यहाँ पे भी क्रिस्टल रिपोर्ट शो नहीं होती, यहाँ पे शो नहीं होती ओपन विद करके मोर एप्स करके हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी शो नहीं हो रही, तो उसके रिगार्डिंग आपने कैसे सोल्यूशन करना है, कैसे आप यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट लेके आ सकते हो तो आपको बार बार उसमें इशू ना होना पड़े, प्रॉपर इसका सोल्यूशन बताएंगे। सो आप कृपया करके हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज। सबसे पहले जैसे आपने अगर इसका आपने कोई टेम्पररी सोल्यूशन करना है तो आपके कंप्यूटर में जो भी क्रिस्टल रिपोर्ट की फाइल ओपन होगी, हम यहाँ पे जैसे एक बार जाएंगे जी, आप यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट टाइप करेंगे CRYS, आपके पीसी में एक क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके पास क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल नहीं है, आपको उसका फुल वर्जन चाहिए, तो आई बटन पे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आपने किस तरह से जो है क्रिस्टल रिपोर्ट का फुल वर्जन इंस्टॉल करना है आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लिया मैंने कोई भी फाइल, यहाँ पे मैं फाइल में जाऊँगा, क्रिस्टल रिपोर्ट आपने ओपन कर ली, ओपन में जाएंगे, ओपन में जाकर हम यहाँ से डायरेक्ट भी जो कोई भी हमने फाइल ओपन करनी है यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि बार बार यार मेरे को इसमें फाइल ओपन करने में प्रॉब्लम आती है, इसका पक्का कोई सोल्यूशन चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको आगे नेक्स्ट बताऊंगा। देखो ये फाइल है, अभी ये अडोब रीडर का साइन दिखा रहे हैं, बट हमें इसको क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर ओपन करना है। डबल क्लिक करेंगे जी, ये प्रॉपर हमारी फाइल देखो क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर ओपन हो गई है। इस तरह से सारा सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट थिंग क्या है जी, अगर आपने इस तरह से पक्का काम करना है, बार बार ओपन ही करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोई भी जो आपकी डॉट आरपीटी फाइल है इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद करके यहाँ पे चूज अनदर एप्स करेंगे जी, यहाँ पे आपने मोर इन्फो कर देना, देख लेना ये डॉट आरपीटी फाइल्स ही हैं, ऐसे ना हो कई बंदे बोलते हैं सर और ऐप दिखा, कोई और फाइल का आपने बता दिया है। आपका यहाँ पे मेरा डब रीडर आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आएगा, किसी का समथिंग कोई भी आ सकता है, तो उसमें आपको प्रॉपर क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर ओपन करने का आपको वे बता रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पे अभी मेरे यहाँ पे आइकन भी शो हो रहा है, अगर आपका क्रिस्टल रिपोर्ट का अगर आइकन भी नहीं शो होता, मतलब कि सॉफ्टवेयर शो नहीं होता, तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या करना है, लुक फॉर अनदर ऐप ऑन दिस पीसी पे क्लिक करना है जी। आपने सी ड्राइव के अंदर जाना है, सी ड्राइव के अंदर आपके यहाँ पे प्रोग्राम फाइल के अंदर सबसे पहले लेके जाएगा आपको, आपने प्रोग्राम फाइल के अंदर जाके यहाँ पे आपने कॉमन फाइल के अंदर जाके एक क्रिस्टल रिपोर्ट नाम का क्रिस्टल का ऑप्शन होगी, अगर क्रिस्टल की यहाँ पे आपकी है तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे नहीं है तो आपने एक सीग्रेट करके सर्च मारना है, एस से एस दबा देना है, एक सीग्रेट सॉफ्टवेयर होगा, इसमें नहीं है ना क्रिस्टल है ना सीग्रेट की फाइल है। ओके तो हम बैक आ जाएंगे, अभी हम इसको प्रोग्राम फाइल 86 खोलेंगे, यहाँ पे भी आपने देख लेना है कॉमन फाइल है, ठीक है, इसमें भी क्रिस्टल की ऑप्शन नहीं है। ओके तो हम यहाँ पे अभी सी दबा के दोबारा देख लेंगे, सी की कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा दबा के देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमारी सीग्रेट सॉफ्टवेयर की एक फाइल है, सीग्रेट सॉफ्टवेयर में आना है, यहाँ पे आपने क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर आना है, क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर आपका ये CREW32 होगा, इसको आपने क्लिक करके ओपन कर देना है। जब आप ओपन करेंगे तभी आपकी फाइल यहाँ पे आपकी प्रॉपर ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करके इसको ओपन विद में जाओगे जी, ओपन विद में जाके यहाँ पे आपके पास क्रिस्टल रिपोर्ट का इस तरह से आइकन बन के आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ऑलवेज यूज पे क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। सो इस तरह से जो भी आपकी सारी फाइलें होंगी परमानेंट वो क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर ओपन हो जाएंगी। बहुत सारे भाइयों को पता नहीं चलता है, काफ़ी परेशानी आती है, वो बार बार यहाँ पे सर्च करके ओपन विद में जाके फाइलें खोलते हैं, तो ये परमानेंट आपको सोल्यूशन दे दिया है। बाकी आप हमारे साथ बहुत ही अलग अलग टाइप के, बाकी हमारे पास अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग इन्वेंट्री बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका किसी भी टाइप का कोई भी ट्रेड है, आपको कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है बिलिंग इन्वेंट्री बारकोड वगैरह के लिए, ठीक है जी, आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप होलसेल हो, आप रिटेलर हो,
आपको किसी भी टाइप के कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है आप ज़रूर बताइए। बाकी अगर आपको कोई क्रिस्टल रिपोर्ट के अपने डिज़ाइन वगैरह बनाने हैं या आपने सीखना है कि किस तरह से डिज़ाइन बनते हैं, बारकोड किस तरह से बनते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको आई पे दे दूँगा, आप आई पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। सो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमारे चैनल पर वीडियोज़ वगैरह आती रहती हैं, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया।